एवरीवन, वेलकम टू अर्पण की रसोई। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं परवल का भरवा। दोस्तों, यह बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, खाने में भी टेस्टी लगता है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। तो परवल का भरवा बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम परवल, एक मीडियम साइज चॉप्ड प्याज, दो मीडियम साइज प्याज जिसका हम पेस्ट बनाएंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च हम इसका भी पेस्ट बनाएंगे, चिली हुई लहसुन की कलियाँ, आधा कप पोस्ता दाना, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला और तेल। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे दोस्तों, उसमें पोस्ता दाना डालेंगे। पोस्ता दाना हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें इसका थिक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसलिए हम कम पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये स्मूथ थिक पेस्ट ना बन जाए। हमने ब्लेंड कर लिया है और हमारा पेस्ट एकदम परफेक्टली स्मूथ और थिक है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब हमारा पानी खोल जाएगा तब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, आप नोटिस करिएगा कि इस रेसिपी में हम लोग जितना भी चीज़ यूज़ करेंगे और बनाएंगे, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम इसमें परवल डालेंगे। परवल को मैंने नाइफ़ की हेल्प से ऊपर का हल्का हल्का छिल दिया था। अब मैं इसे बॉईल होने के लिए दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। इसे अच्छे से बॉईल करना है हमें। मैं इसे दोबारा कवर होके बॉईल होने दूंगी। 5-7 मिनट बाद देखेंगे हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है और परवल उसमें अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम परवल को छान कर निकाल लेंगे। दोस्तों, परवल हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को तो अच्छा करता ही है, बाकी डायबिटिक पेशेंट्स को भी परवल खाना रेकमेंड किया जाता है और बच्चों के लिए तो अच्छा है ही। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें एक मीडियम साइज चॉप्ड प्याज डाल देंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा दोस्तों, परवल को भी हमने हाई फ्लेम पर बॉईल किया था। जब तक ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम लोग दो मीडियम साइज प्याज लेके उसे मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे और 15 से 20 मिर्ची को भी डालकर, हरी मिर्च को डालकर ब्लेंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे दोनों को अलग अलग। अब जब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम उसमें दोनों पेस्ट डाल देंगे। दोस्तों, आप तीखा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी हरी मिर्च डालें। अब हम हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है हमें इसे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि हमने परवल को बॉईल करते वक्त पानी में भी नमक डाला था, तो परवल ने नमक ऑब्जर्व किया होगा। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और इसे दोबारा अच्छे से हाई फ्लेम पर मिला लेंगे। इस तरह से हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ऐसा दिखना ना लगे। अब हमारा फ्लेम मीडियम में रहेगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सब्ज़ी मसाला डालेंगे। सब्ज़ी मसाला हमारे मसाले को और ज़्यादा टेस्टी करेगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमारे मसाले को अच्छा कलर देगा दोस्तों और थोड़ा सा तीखा भी कर देगा। अब हम इसे मीडियम से लो के फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम जो हमने परवल बॉईल किया था उसको बीच से इस तरह से हल्का सा काटेंगे और स्पून की हेल्प से अंदर के बीज को निकाल लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीज हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। सारे परवल को हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो हमने लो फ्लेम पे जो हमने मसाला फ्राई कर रहे थे अब हम उसमें डाल देंगे बीज को सारे। और हम इसे दोबारा मिलाएंगे अच्छे से मसाले में। दोस्तों, फ्लेम अभी हमारा लो रहेगा वरना हमारा मसाला जल जाएगा और ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हमने इसे अच्छे से मिला दिया। अब हम इसमें डालेंगे पोस्ता दाना का पेस्ट जो हमने एकदम स्टार्टिंग में बनाया था। अब हम अपना फ्लेम थोड़ा सा मीडियम की तरफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और ब्लेंडिंग जार में जो थोड़ा सा पोस्ता दाना लगा हुआ रह गया था, मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डालूंगी। मैं पोस्ता दाना वेस्ट नहीं करूंगी, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं। और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। हमने अच्छे से फ्राई करना है और ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो परवल खाली किया था उस परवल में वही मसाला स्पून के हेल्प से डालेंगे
मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें खास ख्याल रखना है कि हमें इस परवल टूटना नहीं चाहिए। अब मैं अपने फिंगर से इस तरह से अच्छे से मसालों को अंदर में एडजस्ट करूँगी। इस तरह से मैंने एक परवल भर दिया है, फिर मैंने सारा परवल इसी तरह से भरा है। अब मैं एक कढ़ाई में कुछ तेल डालूँगी। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें अपना जो भरा हुआ परवल है वो डालेंगे। दोस्तों, मैंने परवल की और भी सब्जियां बनाकर डाली हैं, और भी तरह के मिठाई भी डाले हैं मैंने। मैंने दही परवल और परवल की मिठाई डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप वहाँ भी देख लेंगे। अगर आपको कभी मन हो तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करें। हम परवल को अच्छे से हर तरफ से टर्न करके इस तरह से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ये हमारा मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो रहा है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमें प्लेट में निकाल लेना है। और दोस्तों, ये हमारा परवल का भरवा रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।